हेलो। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं PSL इंडिया लिमिटेड का एक एजेंट हूँ। मुझे कुछ जानकारी चाहिए थी। कौन हो, कौन बोल रहे हो? मैं PSL का एजेंट बोल रहा हूँ सर। कुछ जानकारी चाहिए थी पैसों के बारे में। कब तक मिल रहा है हमारा पैसा? यार वो तो सेवी बता पाएगी अच्छे से। जी, आपको कोई जानकारी है? नहीं, मेरे को तो अभी तो इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है मेरे पास। तो फिर कैसे होगा सर ऐसे? जी आपने वो रजिस्ट्रेशन तो कर दिया था ना उस समय? सर, किया हुआ था, लेकिन मतलब रजिस्ट्रेशन हमारे ऑफिस में पैसे वो पहले ही ऑलरेडी बॉन्ड जमा है सर 2014 में। तो अच्छा, अब उसके लिए कोई अभी आपके वेबसाइट पर कोई प्रोसीजर नहीं है सर? नहीं, वो जो PSEL की वेबसाइट है ना उसी में रजिस्ट्रेशन जो किए ना उसमें स्टेटस दिखा रहा है। आप एक बार जाके ना अपना ना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के ना चेक कर सकते हैं आप अपना स्टेटस। नहीं सर, मैं मेरी क्या परेशानी है आप समझ नहीं रहा। मेरी परेशानी है कि मेरे पहले ही ऑलरेडी बॉन्ड ऑफिस में जमा है, ना कि आपकी वेबसाइट पे अपलोड किए। मतलब हाँ आपने तो जी ठीक 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 तो उसके बारे में फिर आपको ना सेबी से ही पता चल जाएगा, चल पाएगा सेबी ऑफिस रायपुर में। नहीं सर, हमने लगाया सेबी हेल्पलाइन पर लिमिटेड ही जानकारी मिल पाती है। तो अब हमने आपसे अधिक जानकारी के लिए संपर्क करना चाहे कि किस तरीके से हमें अपने पैसे निकालने हैं जो बॉन्ड ऑफिस में जमा है सर, उसके लिए कुछ हेल्प कर दें हमारी। ये देखो ये ना एक सेवी से ही हो पाएगा। और एक दूसरा चीज मैं ये बता, RBI की सचेत पोर्टल है उसमें आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। हाँ जी, सचेत पोर्टल पर तो मैंने किया है कंप्लेन दर्ज। सर आप किस विभाग से हैं? मैं फाइनेंस से। जी सर, ये एक्चुअली क्या हुआ, उस समय PSEL का रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपन लोग फिल करवा रहे थे सबका, जी है ना? जी तो बाकी बाकी जो मैटर है वो आगे का वो सेबी सेबी से आपको अच्छे से पता चल पाएगा। सर, ये जो RM लोढ़ा जी की कमेटी है सर, हमें इसका कुछ कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा RM नहीं लोढ़ा? नहीं 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 कॉन्टेक्ट नंबर तो नहीं है। क्योंकि सर इस वक्त जो है ना, हमारा सब कुछ इस वक्त RM लोढ़ा जी पर निर्भर है। RM लोढ़ा जी जो है मतलब पेमेंट करने में बहुत ज़्यादा लेट कर रहे हैं। और सर सबसे बड़ी बात तो यह है कि इजी करके अगर ये बांटना चाहते तो ये जो इनका बैंक अकाउंट सीज करे थे 2014 से, और अब जाके वो अकाउंट खोले, मतलब अपने उसमें डलवाया से भी भाग ने अपने अकाउंट में वो पैसा, तो सर 6 साल के बाद ये पैसा अपने अकाउंट में डलवाया। इससे पहले प्रॉपर्टी बेचने का इन्होंने प्रोसीजर चालू कर रखा था। तो सर जो पैसा इकट्ठा था उससे पहले प्रोसीजर चालू करना था, या वो ज़मीन बेच के जिन जो पल की कई जगह कई लोगों के नाम थे उनको सबको एक जगह किया गया, जब जाके वो प्रोसीजर आगे कुछ चला? तो सर इस चक्कर में 2016 में सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर था कि 6 महीने के भीतर भीतर निवेशकों का पैसा दे दो, तो सर उस पर तो ना RM लोढ़ा जी खड़े उतरे और ना सेवी वाग खड़ा उतरा। और सेवी वाग ने पंस को कहा कि ये पैसे देने में असमर्थ था। सर 3 महीने का टाइम दिया था PSEL के मेजरमेंट को कि 3 महीने के भीतर 49,700 करोड़ रुपए की देनदारी सर कैसे कर लेते, 5 करोड़ निवेशकों का पैसा देना था। तो सर आपने सेवी वाग ने इतना कम टाइम ऑफिस इनको दिया PSEL को, तो सर अगर लंबा टाइम देते